अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम साजिद अली है और आप हमारे YouTube चैनल पर हैं और जिसका टाइटल है इंग्लिश लर्निंग विद साजिद अली। स्टूडेंट्स, ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए आसानियां पैदा कर रहा है, उनको घर बैठे ही बहुत सारी सहूलतों को साथ लिए उनको प्रोवाइड कर रहा है और उनके इश्यूज को एड्रेस कर रहा है। और जिस तरीके से आप हमारे कमेंट्स बॉक्स के अंदर हमें इनक्रेज कर रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं, उससे हमें बहुत सारी खुशी होती है। जब आप हमारी वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उसके नीचे पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं, ऑल दो कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी हमारी इसलाह का बाइस बनते हैं, तो इस तरह से हमारी ओवरऑल एक अच्छी इंकरेजमेंट होती है। स्टूडेंट्स, आज हम जिस वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हैं वो एमए इंग्लिश पार्ट टू का सिलेबस के अंदर जो पेपर ऑप्शनल है उसका नाम है लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स के अंदर मैंने पहले भी आपने लेक्चर्स कुछ आपके लिए रिकॉर्ड कर रखे हैं जो को आप देख चुके हैं, और उनके अंदर भी मैंने काफ़ी हद तक सिलेबस को पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोधा यूनिवर्सिटी और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, इवन बीजेडी यूनिवर्सिटी का जो ऑप्शनल 100 नंबर का 100 मार्क्स का पेपर है उसको भी मैंने काफ़ी हद तक एड्रेस करने की कोशिश की है। एक्चुअली जो स्टूडेंट्स जो हैं, जो सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहते हैं, जिनकी जेब इजाज़त देती है, वो डेफिनेटली उनको जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी को एंजॉय करना चाहिए, यूनिवर्सिटी लाइफ को जो है वो एंजॉय करना चाहिए, 2 साल या 4 साल जो बीएस प्रोग्राम्स के अंदर स्टूडेंट्स हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, जॉब कर रहे होते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर सिस्टम तो वो अफोर्डेबल नहीं है, वो एनुअल सिस्टम के तहत इन यूनिवर्सिटियों से पेपर देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो हमारे जो नाज़रीन हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो केपीके के अंदर हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर हैं, चूँकि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस हमने देखा तो हुआ, लेकिन उस तरीके से हमारे वो पंजाब के अंदर रहते हुए हमने उन स्टूडेंट्स को टीच नहीं किया। हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम स्टूडेंट्स का जो सिलेबस यूनिवर्सिटीज़ का है उनको भी हम साथ लेके चलें, ताकि वो भी हमसे जो है वो नाला ना हो, और वो जो हमें रिक्वेस्ट करते हैं डेफिनेटली उनको भी हम एड्रेस कर सकें। स्टूडेंट, आज जो हम सब्जेक्ट जो आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, उसका नाम लिंग्विस्टिक्स है। लिंग्विस्टिक्स की जो डेफिनेशन है उसका मतलब सबसे पहले मैं आपको समझाता चलूँ कि लिंग्विस्टिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। तो पहला जो क्वेश्चन आपको पेपर में आता है वो यही वाला है कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ लिंग्विस्टिक्स या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो आपने इसकी ब्रांचेस बयान करनी है, इसकी डेफिनेशन देनी है कि लिंग्विस्टिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। इसकी ब्रांचेस के बारे में जब आप बात करना शुरू करेंगे तो आपने कहना है कि इसकी जो ब्रांचेस हैं वो मॉर्फोलॉजी है, फोनेटिक्स है, फोनोलॉजी है, सिमेंटिक्स है, सिंटैक्स है, ठीक है। उसके बाद आप सिमेंटिक प्रैग्मेटिक्स की तरफ आ जाएँ, तो उसके बाद ये ब्रांचेस देने के बाद आपने इसके स्कोप की तरफ आ जाना है कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो स्कोप बयान करेंगे, ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये पूरी एक साइंस है, ठीक है, क्योंकि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये उनका आप कह लेंगे ऑपरेशन कर रहा है, उनकी ये सर्जरी कर रहा है। ये जितने भी लैंग्वेजेस हैं, अरेबिक है, वो पर्शियन है, जापानीज़ है, चाइनीज़ है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, अरेबिक है, मतलब कोई सुबह आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, तो उसको ये बेसिकली उसके तमाम जो प्रोज एंड कॉन्स है वो उनको लेकर सामने आता है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। इसके ऊपर जॉर्ज यूल की बुक है, एक जॉर्ज यूल YULE जॉर्ज यूल की जो जर्नल लिंग्विस्टिक्स बुक है आप उसको स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा एनकेएम की न्यू किताब महल जो है उनकी किताबें अच्छी हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और राइटर अच्छा है जो टू द पॉइंट लिखता है, सलीम साजिद उसका नाम है, जो मेरी नज़र से गुजरी है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा पेज जो है फेसबुक पेज जिसका सेम नाम है इंग्लिश लर्निंग विद साजिद अली, वहाँ पर भी लिंग्विस्टिक्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे PDF फॉर्म में, MS ऑफिस की फॉर्म में, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं बगैर कोई मुआवजा, बगैर किसी पैसे के। स्टूडेंट, ये तो पहला सवाल आपने तैयार करना है। वो ये जो सेकंड नंबर पे तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सवाल दिया जाता है वो ये आता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंग्वेज। लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बयान करनी है। सो आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या देनी है कि लैंग्वेज इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट वी हैव इन अवर माइंड, यानी जो हमारे माइंड में है उसको एक्सप्रेस कर देना, दिस इज़ कॉल्ड लैंग्वेज। तो इसके ये डेफिनेशन नॉम चॉम्स्की की है, जो अमेरिका का बहुत बड़ा लिंग्विस्ट है और जिसने लिंग्विस्टिक्स की दुनिया के अंदर एक इनकलाब बरपा कर दिया। उसके बाद आप इसकी जो क्वालिटीज़ के ऊपर आएंगे लैंग्वेज की, तो आप इसमें बयान कर सकते हैं कि ड्यूअलिटी है लैंग्वेज के अंदर, आर्बिट्रेरीनेस है लैंग्वेज के अंदर, क्रिएटिविटी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। ये जॉर्ज यूल की बुक के अंदर सबको सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। तीसरा सवाल जो स्टूडेंट हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो एनुअल सिस्टम में या सेमेस्टर सिस्टम है उसमें आता है कि व्हाट आर द
what is the difference between the language of the animals and the language of the humans. इंसानों की लैंग्वेज और एनिमल्स लैंग्वेज जो है इसके अंदर फ़र्क क्या है. तो आप इस सवाल को देखें कि अगर आप बात कर लेते हैं फर्ज़ कर इंसानों की लैंग्वेज में, तो वो तो एक लहन वर्बल लैंग्वेज है, एक नॉन वर्बल लैंग्वेज होती है. नॉन वर्बल ये है कि जैसे साइन है, ठीक है. इसी तरह जो जानवर हैं उनकी लैंग्वेज जो है वो लिमिटेड होती है, एनिमल्स जो है उनकी लिमिटेड अप्रोच होती है, और इसके अलावा आप कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी की कमी होती है, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट तो उनके अंदर होती है लेकिन आर्बिट्रेरीनेस उसके अंदर नहीं होती. तो ये स्टूडेंट आपने एक सवाल तैयार करना है. उसके बाद जो कन्फर्म क्वेश्चन आता है तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फनेटिक्स के ऊपर आता है. तो आपने कहना है कि वट इज़ meant by phonetics, its branches, its classification, ये आपने बयान करनी है, ठीक है. manners and places of articulation, ये सवाल आता है. सो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. आपने कहना है कि phonetics is the scientific study of the human speech sounds, यानी जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आप मेरी बात सुन रहे हैं, जो टंग है यानी ये जो वॉइस बॉक्स है, इसको पूरे इस चीज़ को ऑर्गन जो है हमारा जिसको हम चेहरा कह रहे हैं मुँह कह रहे हैं, ये वॉइस बॉक्स है. वॉइस बॉक्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रोल प्ले कर रही है वो है टंग. आप इस चीज़ को समझ लें कि ये टंग है. अब जो टंग है ये कभी डाउन कभी अप कभी राइट कभी लेफ्ट ये दाएं बाएं उसको मूवमेंट कर रही है और इसके नतीजे में प्रोडक्शन ऑफ द साउंड्स हो रहे हैं. तो इसका जो प्रोसीजर है वो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द एयर प्रेशर इज जनरेटेड इनटू द लंग्स, द एयर स्लोली स्टेडली कम्स टू द वोकल ट्रैक, ये जो वोकल ट्रैक जिसको मैं टच कर रहा हूं, देन इट कम्स टू द वॉइस बॉक्स एंड देन द टंग जो जुबान है डज टच टू द डिफरेंट प्लेसेस एंड इन दिस रिजल्ट द साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, द साउंड्स आर जनरेटेड. तो ये जो प्रोसीजर है दिस इज कॉल्ड एज फोनेटिक्स. अब जो टंग है जब डिफरेंट जगहों पे टच हो रही है, यानी हमारा जो वॉइस बॉक्स है जो हमारा मुंह है इसमें ऊपर रूफ है यानी रूफ ऑफ द माउथ है, उसको पैलेट कहते हैं, तालू जिसको कहते हैं तालू. तो जब जुबान जो है वो टंग ऊपर तालू को टच करेगी तो वो अब प्लेस होगी ना, अब ये पैलेटल साउंड हो गए, यानी पैलेट कहते हैं तालू को. जो टंग जो है वो जब पैलेट को टच करेगी तो साउंड कौन से कहलाएंगे, पैलेटल साउंड्स. फिर जब लिप्स के जरिए साउंड बन रहा है तो वो क्या हो गया, लेबियल यानी लेबियल साउंड्स. जब दोनों लिप्स के दरमियान में से एयर प्रेशर जनरेट निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, तो ये बायलेबियल साउंड्स हो गए. फिर जब प्रेशर ऑफ द एयर कम्स टू द नोज, यानी हमारे नोज के जरिए हवा का प्रेशर बाहर निकल रहा है, तो ये होंगे नेजल साउंड्स, ठीक है. तो ये आप समझ रहे हैं ना, बड़ा आसान सवाल है. तो आप इसको देख सकते हैं बायोलॉजी के जिम्मे में भी ये काफी सारा आपको क्वेश्चन आता है क्योंकि इसके अंदर ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व है, ठीक है. उसके बाद मैनर्स हैं, यानी मैनर्स में आपने देखना है कि फ्रिकेटिव है, एफ्रिकेट्स है, यानी कि जिसमें फ्रिक्शन हो रही है, क्या रगड़ के जरिए हमारे जो साउंड्स हैं वो बाहर जनरेट हो रहे हैं, पेनिट्रेट हो रहे हैं, प्रोडक्शन का अमल दिया जा रहा है. फिर इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन फोनेटिक्स की क्या है. तो स्टूडेंट आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर एकेडमिक करियर आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो साउंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो कंसोनेंट्स होंगे यानी जो लेटर्स होते हैं, या फिर वो वॉवल्स होंगे. तो सबसे पहले इसकी डिफरेंस आप देख लीजिए कि कंसोनेंट्स और वॉवल्स के अंदर फर्क क्या है. तो आप देखें कि व्हेन यू प्रोनाउंस द वोवल साउंड्स द टंग इन ओवर वॉइस बॉक्स डज नॉट टच एनीवेयर, यानी हमारे मुंह में जुबान जो है वो कहीं भी टच नहीं करती. व्हेन वी प्रोनाउंस द वोवल साउंड्स जैसे आ ई ओ, अब आप देख रहे हैं कि टंग डज नॉट टच एनीवेयर. इसी को लेते हुए अब आप देखें कि प, आप देखें प है ना, जैसे पाकिस्तान, आप जरा गौर करें पाकिस्तान, ठीक है, प बायलेबियल साउंड, द लिप्स आर जॉइंट टुगेदर एंड द एयर प्रेशर इज रिलीजिंग, यानी हवा का प्रेशर रिलीज हो रहा है एंड द लिप्स आर जॉइंट एज ए प. तो ये दोनों लिप्स जॉइंट हो रहे हैं, हम इसको कहेंगे बायलेबियल साउंड्स, ठीक है. तो अब ये जो प था ये कंसोनेंट है, ये वोवल नहीं है, प. यानी जब आपने कहना है कि टंग डिफरेंट जगहों पे प्लेस करती है, टच करती है, जैसे ड ड, अब अगर गौर करें ड जो हमारा प्रोडक्शन अमल है इसमें जो टंग है वो टच कर रही है नीचे मतलब आप कह लीजिए वॉइस बॉक्स में. सो ये कंसोनेंट हुआ, ठीक है, दूसरे वॉवल थे. तो देर आर 44 फनीम्स इन फोनेटिक्स, यानी फोनेटिक्स के अंदर जो है वो टोटल जो साउंड्स हैं जो हम लिखते हैं जैसे प ब ठ व, ये टोटल आप मिला लें वॉवल्स के साथ 20 वॉवल्स हैं, 24 जो है वो कंसोनेंट हैं. सो देर आर टोटल 24 फनीम्स इन लिंग्विस्टिक्स. तो स्टूडेंट ये वाले जो तीन सवाल हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आप इसको तैयार करें, इंशाल्लाह हर पेपर के अंदर इन तीनों में से ज़रूर आपको मिलेगा. रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं आने वाली वीडियोज़ में हम आपके साथ शेयर करेंगे. टिल दैट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी. अल्लाह हाफिज़.